वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जमन वासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हम चलाते हैं आप सभी के लिए, और गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि भारत में जो हालात ख़राब चल रहे हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है कई महीनों से, इसमें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर ये सरकार, जिनको विदेशी मनवादियों की सरकार कहते हैं, ये किसी भी हालत में किसानों को हक नहीं देना चाहती है। और इसकी वजह से बहुत सारे किसान मर चुके हैं, बहुत सारे परेशान हैं। तो अभी तो इन्होंने हद कर दी बिल्कुल ही, कि इसमें इतने डर गए हैं ये, कि किसानों से इतने डर रहे हैं मनवादी सरकार है, कि उनकी कंडे वाली तार जो वहाँ पर है, जो कांटों वाली तार, या उसमें सड़क के ऊपर उन्होंने खिले गड़ा दिए हैं, ताकि वहाँ पर लोग पैदल ना जा सकें या कुछ भी ना कर सकें। ऐसा हालात उन्होंने पैदा कर दिए। अब अपने देश में रहकर हम विदेशी मनवादी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ऐसा काम जो विदेशी लोग ही कर सकते हैं देश के लिए, दूसरे अपने देश का आदमी अपने देश के लिए ऐसा कभी भी कर ही नहीं सकता। कि अपने देश में अगर कहो, जैसे मतलब देख रहे हैं कि उसमें चाइना का बॉर्डर पर वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ कुछ नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे जो किसान हैं उनके लिए कांटों की तार जो लगा रहे हैं, और जो क्या कहते हैं उसको, मतलब कांटों की तार लगा दिए, ऊपर एक किले गड़ा दिए उन्होंने। मतलब इतने मनवादी इतने घबरा गए उनकी ताकत से, किसानों की ताकत से, इतने कि दिन रात इनको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात हम सभी को कहना चाहते हैं, जो पुलिस वाले खास करके, जो आरएसएस की गुंडा पुलिस है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुलिस है भारत की, जिसको कहते हैं मोदी की पुलिस है या योगी की पुलिस है, पुलिस जो है कोई किसी के बाप की पुलिस नहीं, ना योगी के बाप की पुलिस है ना योगी की पुलिस है। पुलिस भारत सरकार की है, भारत की है, जो भारत के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं, जो मतलब ये सारा सिस्टम जो है हिल चुका है। पुलिस ना तो योगी के बाप की है, ना मोदी के बाप की है। पुलिस सिर्फ लोगों की रक्षा करने के लिए होती है, सरकारी जो है, जनता के टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है। अब चापलूसी पुलिस वाले कर रहे हैं इसकी जो सरकारों के, तो ये जो है जो चल रहा है सारा कुछ, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मनवादियों का भारत से पतन का स्टार्ट हो चुका है। मनवादी यहाँ से पतन के कारण खुद का पतन इन्होंने खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि नफरत की जो आग लगाई इन्होंने चारों तरफ, उसमें एक दिन खुद जलकर ये राख होंगे। और हमने इसके 2016 में इसके बारे में बता रखा था पहले, कि 2025 तक इसका लास्ट, मनवादियों का लास्ट है, क्योंकि जो इन्होंने हिंदू राष्ट्र का जो सपना लिया है, उसको जो है ना, हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वही इनको लेके बैठ जाएगा। क्योंकि इनके दिमाग में बात है कि सिख जो है, सिख भी हिंदू है, मुसलमान भी मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, सबको हिंदू बनाएंगे, ये अपने कराने के चक्कर में सारा खुद का बेटा करेंगे। लेकिन आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का बिल जो है, अगर किसानों का बिल पास मतलब फेल हो जाता है, तो मतलब मोदी गया, या जो हिंदू राष्ट्र का जो है इनका सपना है, वो कमर टूट जाएगी हिंदू राष्ट्र की, अगर मोदी का जो ये बिल, जो तीनों बिल खत्म हो जाते हैं। अगर तीनों बिल खत्म नहीं होते तो भारत के लोगों की कमर टूट जाएगी, याद रखना इस बात को। लेकिन इसने इतने होने के बावजूद भी मोदी जो सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, मोदी को तो ऐसे ही चमचा रखा उन्होंने, मतलब चमचे हिलाने के लिए ऐसे रखा उसको तो सिर्फ। लेकिन वहां पर जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो टस्त मस नहीं हो रही है। लेकिन आज क्या बात है, एक रेहाना है उसका नाम, दरअसल इन्होंने उसको दूसरे रंगत में ले गए, जो चाटुकार बैठे, जैसे मतलब देखो आप गांव में देखा होगा आप सभी ने, कि जैसे भूखा जो गिद्दड़ होते ना, गिद्दड़ होते हैं जो गांव से बाहर होते थे कई बार, तो एक आवाज़ देता था तो उसके पीछे लाखों गिद्दड़ बोलते थे। उसमें देखे होंगे आपने, जो लोमड़ी होती है, गिद्दड़ होते हैं, ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने गाँव में, सुने होंगे या जंगल में सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे एक रिहाना के
जो रे, उसका नाम रिहाना नहीं है, रेहाना है, मतलब वो क्रिश्चियन है शायद, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने उसको मुसलमान समझ करके मुसलमान के खिलाफ तो बोलते हैं, इनकी राजनीति चलती है मुसलमान के खिलाफ। लेकिन रेहाना ने जो एक ट्वीट किया है उसके बाद में ये सारा सिस्टम हिल चुका है इनका, जो ऊपर से लेकर गोबर गोबर पात्रा या और बहुत सारे पात्र हैं गोबर के, गणेश जो बने हुए हैं सारे, सब के सब, इन्होंने सब के सब ने गालियां निकालनी शुरू कर दी, उसको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। सब के सब जो जो उसमें चूहे के जो भटके अंदर बड़े हुए थे वो भी बाहर आकर निकल गए। तो सब के सब ने इन्होंने क्या कर रहे हैं कि वो गालियां दे रहे, गाली ये समझ रहे कि हम गाली देकर अपने मतलब एक बहुत बड़ी शान वाली बात कर रहे हैं। वो भाई गाली आदमी जो बेवकूफ़ होता है, इंसान जो पढ़ा लिखा, तो वो सारे पढ़े लिखे गाली देते हैं, जो ना समझ होते हैं इंसान, जो महामूर्ख होते हैं इंसान, वो गालियाँ देते हैं लोगों को। अब आपने आपकी महामूर्खता है क्यों लोगों को दिखा रहे हैं, ट्वीट कर करके गालियाँ दे रहे हैं दूसरों को। ये आप लोग जो भारत की छवि खराब कर रहे हैं बाहर विदेशों में, आप तो इंडिया में बैठे जो ये गोबर गणेश हैं, गोबर के गोबर पात्र है, या जो उसमें बाथरूम से निकल के जो गाय का मूत्र पीने वाले गंदे लोग जो हैं, ये इनको समझ नहीं आती भाई। बाहर जो है आप ट्वीट कर रहे हैं लोगों को, दूसरों को कहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी ना दीजिए। ये दूसरों के मामले में दखलंदाजी भी देते हैं और दूसरों को गालियाँ भी देते हैं। तो भाई जब तुम लोग दूसरों की बात सहन नहीं कर पाते तो दूसरों के लिए अगर तो गालियाँ निकालने की क्या जरूरत है। अगर बात करनी है टॉक टेबल पर बात कीजिए, कोई तरीके से होता बात करने का। गालियाँ निकालने वाला इंसान महामूर्ख और बेवकूफ़ होता है, ना समझ होता है। तो गालियाँ निकाल करके अपने दिमाग का गोबर मात बाहर निकालें, उसमें बदबू आती है। तो दूसरी बात हम करना चाह रहे हैं इसमें, जो किसान हो गए कि मैं आज जो है पूरे विदेशों से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट रख दे डाल दिया सब ने, बस किसानों के हक में डाल रहे हैं सब के सब। अब किसानों की सपोर्ट पूरे विदेशों में, वो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है किसानों की, अभी फिर भी टस्तमस नहीं हो रही बीजेपी सरकार। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हिंदू राष्ट्र का जो सपना था इनका, वो इनको टूटता नज़र आ रहा है। और सिखों ने जो है हमेशा लड़ाई सच हक की लड़ी है, तो ये लास्ट दुश्मन है जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद की नीति। ये जो भारत में जो मनुवादी हैं, जो लोग इन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया है, और भारत को बर्बाद ऐसा कर दिया कि किसी भी काम का नहीं छोड़ा, क्योंकि देख रहे हैं आप बेगुनाहों के ऊपर ये डंडे बरसा रहे हैं और बेगुनाहों को मार रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। ये काहे का कौन से देश में रहते हैं। इसका मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ पर भारत में जो विदेशी मनुवादियों का कब्जा है, जो भारत में रहने वाले जो विदेशी मनुवादी हैं वो भारत के लोगों पर हमला इस करके करवाते हैं क्योंकि वो भारत के है ही नहीं है, भारत के वो है ही नहीं, वो विदेश में विदेश से आए हुए लोग हैं। तो विदेशी जो मनुवादी हैं ये भारत के लोगों पर हमले, अभी दिल्ली में देख लो क्या हालात कर दिए इन्होंने। दिल्ली कभी मतलब एक मतलब पूरे भारत में तो सिस्टम चल रहा है इनका, जैसे भी काट पाट कर रहे हैं किसी को कुछ, इनका जो चलता है सिस्टम जैसे चलता है। लेकिन दिल्ली में किसानों की जो रोटी खिलाने वाले किसान है, जो अनाज उगाने वाले किसान हैं, उनके खिलाफ ऐसा करना, इसका मतलब आप इन्होंने नेताओं ने भारत के जो नेता हैं, जो विदेशी मनुवादी जो नेता हैं, इन्होंने खुद के पैरों पर खुद कुहाड़ी मार ली। इन पर खेती करनी तो आती नहीं है, अगर किसान इनको अनाज देना बंद कर देंगे, किसान को सब्जी देना बंद कर देंगे, किसान इनको सब कुछ मतलब पानी वगैरह जो भी है वो देना बंद करेंगे, इनकी तो दो दिन में ही बैंड बज जाएगी, इनकी जो दो दिन में बैंड बजेगी। हम एक खास करके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे भारतवासियों को, अगर ब्राह्मणवाद के चुंगल से बाहर निकलना है भारतवासियों को, खास करके ST SC OBC के लोगों को, अगर ब्राह्मणवाद से हमेशा के लिए निकलना है चुंगल से, तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, जो इंसान का मनोबल बढ़ाता है। सिख धर्म अगर अपनाएंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मनुवाद के चुंगड़ से हमेशा के लिए छूट जाएंगे, क्योंकि मनुवाद एक ऐसा है, ऐसा मतलब दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं और दूसरों को टुकड़े पर पड़ने वाले आकर्षित घन लोग हैं, जे तो वहीं के पर खाते हैं, उन्हीं का नुकसान करते हैं, उनको ही मारते हैं, उनको ही बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कितने आकर्षित घन वाले लगे, लेकिन भारत में जो है चल रहा है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है,
इसके हक में जो है बाहर, अभी इन्होंने वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया है, वहाँ पर पानी बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके पास में बहुत कुछ विदेशी जो लोग हैं, इनके पास सैटेलाइट जो लगी हैं, वो कहीं से भी तस्वीरें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें भीम शरण हंस लिखते हैं एस टी एस सी ओबी माइनॉरिटी सभी को प्रताड़ित कर रहा है ब्राह्मण। बात तो सही है आपकी, इसमें क्या है कि जो आप लोगों ने लिखा है जो कमेंट, ये सबकी बात नहीं है, सबको मतलब इनकी जो खून में है ना, जब तक इनको दूसरे का खून नजर नहीं आता, ये लोग ऐसी किस्म के लोग हैं, क्योंकि मतलब तो